नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तुम्हारा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एटी एजुकेशन। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और वो भी थोड़ा सिंपल ही तरीका बताऊंगा जो कि जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस तरीके के सवाल होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं ये। हाँ दोस्तों, ये होते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अंक कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में अक्सर, तो उसमें आपको काफ़ी फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं कि भाई इधर से 5वां है, इधर से 12वां है, तो दोनों को जोड़ के कभी एक घटा देते हैं, कभी एक जोड़ देते हैं, तो मालूम नहीं हो पाता कि कभी इन दोनों को जोड़ के 26 में से घटाते हैं, कभी 26 में से घटा के फिर एक जोड़ देते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले तो मैथ में ही काफ़ी हैं, तो रीजनिंग में भी फॉर्मूले याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले आपको आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें 35 नंबर की रीजनिंग है, तो कम से कम 3-4 नंबर तो आएंगे ही, के क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही। तो इसके लिए सबसे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कोई भी पेपर में या आपको रफ कागज मिलेगा उस पर ABCD लिख लेनी है पूरी, इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। दो ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको। इस तरीके से ABCD लिख लेनी है, उसके बाद उसको मार्क कर लेना, जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 5वें नंबर पर, छोड़ छोड़ के 8वें नंबर पर, 9, 10, 11वें नंबर पे, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर पे, ये 18, 19, 20 पे, ये 21, 22, 23 पे, ये 24, 25, 26 पे आता ही है, इसे लिख लेते हैं 24 और ये 25, ठीक है दोस्तों। अब बस इतना ही करना है आपको, अब आपको कोई भी सवाल आसानी से हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके दाएं से 12वें अक्षर, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ये रही आपके सामने, उसके दाएं से 12वां अक्षर, और दायां कौन सा होता है, दायां यानी कि सीधा हाथ, और सीधे हाथ की तरफ क्या होता है, जेड, सीधे हाथ की तरफ ये होता है ना, और तो दाएं से कौन सा अक्षर बोल रहा है, 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर कौन सा दाएं से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां, 12वां अक्षर ये है ओ। अब देखिए 12वें अक्षर से क्या हो रहा है, दाएं 5वां अक्षर, यानी कि अब इसी के दाएं तरफ चलना है हमें, 5वां अक्षर, इसी के दाएं तरफ 5वां अक्षर तो कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो दाएं अक्षर कौन सा हुआ 5वां, तो वो है टी। तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ABCD लिखे। और दूसरी बात, इसमें सवाल को गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता यदि आप ऐसे करेंगे, तो कौन सा अक्षर होगा, वो होगा टी दोस्तों। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये वाला टी, ऑप्शन जो है ए, टी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप ऐसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि अगला सवाल है कि बाएं से 7वें अक्षर, अब बायां कौन सा है हमारा, उल्टा हाथ, उधर उल्टा हाथ इधर की तरफ होता है, तो बाएं अक्षर ये रहा, कौन सा अक्षर है बायां, 7वां, तो 1, 2, 3, ये 5वां तो ये रहा, छठा और 7वां, 7वां एच हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी इसके दाई तरफ 7वां अक्षर क्या होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 7वां कौन सा है, एन। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एन। कोई गलती का चांस नहीं होता दोस्तों इन सवालों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाएं से 14वां अक्षर, अब देखिए दाएं इस तरफ है जेड, 14वां अक्षर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14वां कौन सा आया, एम आया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं में 5वां अक्षर, तो इसके दाएं में 5वां अक्षर कौन सा है, एम के दाएं में, यानी दाएं सीधे हाथ की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां कौन सा है, आर, तो इसका आंसर क्या होगा, आर। दोस्तों किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको सबसे पहले अपने पेपर पर या फिर रफ कॉपी पे ऊपर ABCD लिख लेनी है बस, और कुछ नहीं करना, नंबर भी आप लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड में आप ABCD लिख सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगला सवाल है कि बाएं से छठे, तो बायां यानी उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ ए से स्टार्ट होगा, छठा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा ये रहा, छठा। उसके बाद क्या बोल रहा, तथा 19वें अक्षर, यानी कि इसी का 19वें अक्षर छठा, तो 17वां, 18वां, 19वां, 19वां कौन सा, एस, एस और एफ पूछ कह रहा है, इनके बीच कितने अक्षर हैं, तो इनके बीच कितने अक्षर हैं, तो देख लेते हैं हम एफ के और एस के बीच, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 अक्षर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सी, 12 अक्षर। तो किसी तरीके का भी सवाल आ जाए इस तरीके से, आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो कुछ ट्रिक थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ती है,
वरना फॉर्मूले में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है और सवाल गलत हो जाते हैं। और ऑप्शन में सवाल ऐसे भी मिलते हैं जो गलती का चांस होता है ना, जो गलती करने से जो आंसर आता है वो ऑप्शन में भी जरूर मिलता है ऐसे सवालों में। तो आप यदि इस तरीके से करेंगे तो आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं एग्जाम में। देखिए, ये जो सर्कल है ये मराठी भाषाओं वालों का है, ये अंग्रेजी भाषाओं का सर्कल है और ये हिंदी भाषा का सर्कल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, तो ऐसे कितने लोग, कितना नंबर है जो सारे को सर्कल को कवर कर रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए इसे, ये जो 105 है ये किस किस को कवर कर रहा है। 105 में देखो, एक तो मराठी वाला गोला आ रहा है, मराठी वाला 105, और ये एक अंग्रेजी वाला आ रहा है, लेकिन 105 में हिंदी वाला सर्कल कहीं नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा यही है 175। देखिए 175 को ध्यान से देखिए, ये मराठी भाषाओं में भी आता है, अंग्रेजी भाषा वाले में भी आता है और हिंदी वाले में भी आता है 175। तो कितने लोग हैं जो सभी भाषा जानते हैं, तो वह है 175 लोग। बस आपको सर्कल का ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको इस तरीके का। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें, हाँ ये बोल, ये रहा कि 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। तो 105 व्यक्ति कौन कौन सी भाषा जानते हैं, देखिए 105 ये रहा। अब 105 जो है वो किस किस सर्कल में आ रहा है, एक तो मराठी में आ रहा है सर्कल में, और एक अंग्रेजी के सर्कल में आ रहा है, वो हिंदी के सर्कल में नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदी के सर्कल में 175, 78 और सिर्फ 200 आ रहे हैं। तो 105 जो आ रहा है, एक तो अंग्रेजी के में और एक मराठी के में। तो 105 लोग कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, तो मराठी और अंग्रेजी। तो 175 लोग कौन कौन से जानते हैं, मराठी और अंग्रेजी। अब देखिए दोस्तों, ये जो व्रत, ये जो है आयत, आयत तो है बेरोजगार का साइन, और जो ये त्रिभुज है ये महिलाओं को दर्शाता है, और जो ये सर्किल है व्रत है ये डॉक्टरों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें कितनी महिलाएं जो डॉक्टर बेरोजगार हैं, यानी कि महिलाएं भी हैं यानी त्रिभुज में भी आनी चाहिए, और डॉक्टर भी हैं यानी व्रत में भी आनी चाहिए, और बेरोजगार भी हैं यानी कि हाँ मतलब कि इसमें नहीं आनी चाहिए रोजगार वाले ऑप्शन में, क्योंकि रोजगार में आएगा तो रोजगार हो जाएगा, लेकिन बेरोजगार होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब है कि वो त्रिभुज में और व्रत में आनी चाहिए। तो कौन सी है जो त्रिभुज और व्रत में आ रही है, तो वो है दोस्तों 7, क्योंकि 7 जो है दोस्तों वो त्रिभुज में भी आ रहा है और व्रत में भी आ रहा है, लेकिन रोजगार में नहीं आ रहा। जो रोजगार नहीं है तो सीधी बात है वो बेरोजगार होगा। तो ये जो महिलाएं हैं ये बेरोजगार हैं, कितनी महिलाएं, 7, 7 महिलाएं हैं जो डॉक्टर भी हैं लेकिन बेरोजगार हैं। बाकी ये जो महिलाएं हैं ये 1 और ये 2, ये 3 महिलाएं ऐसी हैं जो रोजगार भी है जिन पे, और महिला भी हैं, लेकिन एक तो डॉक्टर नहीं है क्योंकि ये डॉक्टर वाले में नहीं आ रहा। 2 महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर भी हैं और रोजगार भी हैं, और बाकी 7 महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूँ। तो यदि आपका जो सा भी सब्जेक्ट को वीक हो मुझे बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ब्लड रिलेशन वालों को मुझे आया था कमेंट कि ब्लड रिलेशन पे बनाओ, तो मैं सोचता हूँ कि यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो बनाऊंगा उस पर, यदि कम आएंगे जिस पे भी ज़्यादा आएंगे उस पे बनाऊंगा। सिर्फ एक ही बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि ब्लड रिलेशन पे मैं वीडियो बनाऊँ, चलिए 2-3 और करेंगे तो मैं बना दूंगा उसी पे। वैसे आप कमेंट करिए, बताइए मुझे किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।